सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी लैपटॉप में कोई भी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्रोम ओपन करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा लैपटॉप एचपी का है, तो मैं एचपी का ड्राइवर डाउनलोड करूँगा, लैपटॉप का ड्राइवर डाउनलोड करूँगा। ये एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करूँगा। लैपटॉप का सीरियल नंबर जानने के लिए मैं कमांड प्रोम्प्ट से एक कमांड प्रेस करूंगा। ये मेरा लैपटॉप का सीरियल नंबर है, इसको कॉपी करूंगा। जैसे कि मुझे लैपटॉप का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो मैं लैपटॉप पे क्लिक करूँगा। अगर आपको प्रिंटर का करना है तो प्रिंटर पे, डेस्कटॉप का करना है तो डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं ड्राइवर डालूँगा, कॉपी पेस्ट मारूँगा, इसको एंटर करूँगा। जैसे कि मेरे लैपटॉप में विंडो 10 डला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कोई और अदर वर्जन डला है, तो आप यहां से सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई सही वर्जन का लैपटॉप का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे लैन का ड्राइवर डाउनलोड करूं, ठीक है, तो लैन के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए मुझे ये वाला ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। ये देखिए ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। इस पे डबल क्लिक करूँगा। यस करूँगा, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट करके, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल। ये हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।